8.1.3 संवेदी अंग और तंत्रिकाएं, सेंस ऑर्गन एंड नर्व्स। हम कई प्रकार की बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, जैसे ताप, ध्वनि, स्वाद, प्रकाश, दाब, गंध आदि। हमारे शरीर में इन संवेदनाओं के लिए कौन कौन से अंग हैं? हमारे संवेदी अंग जैसे त्वचा, कान, नाक, आंखें, जीभ आदि के अलावा भी शरीर के अंदर की मांसपेशियों में संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता होती है। हमारी त्वचा में ही ठंडा, गर्म, स्पर्श, दबाव, दर्द जैसी तरह तरह की संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता है। हमारे सभी संवेदी अंगों में विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। यह संवेदी कोशिकाएं या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर। इन कोशिकाओं के एक्सॉन का या तो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइट से या सीधे मेरुरज्जु या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से साइनेप्स स्थापित होता है। उदाहरण के लिए हमारी आंखों के पर्दे पर प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। इनका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइट से साइनेप्स होता है, जिनके एक्सॉन का गुच्छा मस्तिष्क तक पहुंचता है। चित्र में देखें, हमारे नाक में गंध के प्रति संवेदी संरचनाएं मस्तिष्क से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारे शरीर के संवेदनाएं ग्रहण करने वाले अंगों का कार्य मिलजुल कर होता है। उदाहरण के लिए भोजन के स्वादिष्ट होने का एहसास तभी होता है जब हम भोजन की गंध को भी महसूस कर पाते हैं। क्रियाकलाप 2, आप थोड़ी सी सौंफ खाइए। अब मुंह धोकर अपनी नाक बंद करके फिर से सौंफ खाइए। क्या दोनों स्थितियों में स्वाद एक जैसा है? यदि अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ होगा?